नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बोर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसके स्क्रू को खोल लेता हूं। इसमें हम एक सॉकेट और एक स्विच लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसके स्क्रू को खोल लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें स्क्रू लगा के और इस सॉकेट को कस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, नीचे ऊपर स्क्रू लगा देंगे और इस पर हम स्क्रू की डीबरी को लगा देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों अभी मैंने टाइट नहीं किया है, पहले मैं इसको स्विच को भी लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक ग्रेट व्हाइट कंपनी का स्विच है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास तीन मॉड्यूलर का बोर्ड है, पुराने जमाने का लकड़ी का बोर्ड है। अभी तो पीवीसी में चलने लगे हैं मॉड्यूलर बोर्ड। तो वीडियो में पूरा बने रहें, हम इसकी वायरिंग भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम अच्छे से इसे प्रॉपर तरीके से पेचकस की सहायता या स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, टेस्टर की सहायता से, किसी भी औजार या हथियार से हम इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी बोल्टों को टाइट कर लिया है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने के लिए ये हमने यहाँ पे एक तार जोड़ना है जो बटन के ऊपर लगा देना है। वीडियो को पूरा देखे तभी आप समझ पाओगे। ये दो वायर ले लिए हमने मेन लाइट के, यहाँ पे हम न्यूट्रल लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर को अच्छे से कसें ताकि लूज कनेक्शन ना रहे। और हम दूसरे वायर को यहाँ पे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा देंगे। दोस्तों इसे फुल कस ले ताकि कोई स्पार्किंग का खतरा ना रहे, नहीं तो हमारा स्विच सॉकेट जलने का चांस अधिक रहता है। और हम इसमें एक वायर कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो सॉकेट है उसका पावर ऑन ऑफ हो चुके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्विच से होके लाइट हमारी सॉकेट में आएगी, इसलिए ये हमने बटन यहाँ पे कनेक्ट किया है। जब हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे तब हमारी सप्लाई कट जाएगी और आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है और हम इसे पैक कर लेते हैं और आपको इसकी लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे पैक कर लेता हूँ, इसके स्क्रू कस के। ये देखिए दोस्तों, स्क्रू को कस लिया है मैंने, दोनों स्क्रू को कस लिया है और हम अब इसकी टेस्टिंग करेंगे।
ये देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और हम इसे यहाँ पे पावर दे देते हैं। जो हमारा लाइट का बोर्ड है इसमें हमने इससे हमने पावर दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक इंडक्शन है, ये इसका वायर है, हम इसे कनेक्ट करेंगे इस प्लग को कनेक्ट करके और हम स्विच को ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे इंडक्शन की लाइट आ गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये देखिए दोस्तों मैं जिसे ऑन करूँगा।